और यहाँ जितने हैं बाप और दोस्त नजर आ रहे हैं सब मुझे पहचानते हैं। आज क्या पता हमारी तस्वीर सुनना है चेन्नई से हमारे अपना
नबी ने जो दीन दिया था वो एक था, इस्लाम बताया है, दीन बताया है, शरीयत बताया है, नमाज भी आए, रोजा भी आए, हज भी आए, काबा भी आए, क़िबला भी आए, कुरान भी आए। तो सवाल ये पैदा होता है, जब नबी ने सब कुछ दिया है तो उम्मत में फिरके क्यों आ गए? अल्लाह का
उनके घर की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर का क्या मतलब? मैं कहता हूं मेरा परवरदिगार, घर की जरूरत उसको होती है जिसका जिस्म हो, जिसका बदन हो, और तू है बाजारुना शरीर, तो घर क्यों बना रहा है? अगर मेरे अल्लाह ने आराम किया हो कि कोई है तो आने वाला है। अल्लाह अकबर, इब्राहिम मेरा घर बनाओ, और घर असली नहीं मेरी जान, नकली बनाओ। क्यों? का असली घर आसमान में मौजूद है, बैठे मामूर वहां पे मौजूद है। इब्राहिम और आप जानते हैं सबरे भाई की उम्र में जाल में हैसियत क्या है।
दीवार पर बना दो। एक ही रिवायत पेश करता है मौलवी, क्या है वो रिवायत? का वो ये हुआ कि हजरत अबू तालिब के आखिरी वक्त था, अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू तालिब के कान में कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? कहा चचा ने पलट के भतीजे के कान में कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद में कलमा नहीं पढ़ूंगा, पूरी तरह से सीखेगा। मैंने तो मेरे समझ में आज तक यही बात नहीं आई है कि चचा ने कान में कहा, भतीजे ने कान में सुना, अरे मौलवी ने कैसे सुन लिया? और कान में वही बात कही जाती है ना, तो सामने वाला ना सुन सके। अगर नबी अबू तालिब के कान में कुछ कह रहे थे तो नबी चाहते थे ना कि सामने वाला ना सुन सके। मैंने कहा जी मौलवी है, नबी जो बात कान में कहता है वो बात का सवाल लेता है, और जो नबी
तमाम करनी मस्जिद, मैं भी जबरदस्ती का साथी नहीं हूँ। जब तक वहां मुझे आदत ही नहीं सजा ने लुटाने के, जहां देने वालों को पद मिला हो, पूरी तवज्जो जहां पंचतन का नाम देखा वही जरूर मोड़ दिया। अच्छा अल्लाह ने की बात ठीक है, नहीं जाए नाम क्यों नहीं पकड़ोगे तो रूप बदलवा दूंगा, नजफ नहीं जाएगा मक्का, करबला नहीं जाएगा मक्का, सामरा नहीं जाएगा मक्का, अजमेर तो जाएगा ना, देवा तो जाएगा ना, कन्या तो जाएगा ना। अरे तुझे पता ही नहीं जिन बंदों के दरगाह में जाकर तू अपना सर झुका रहा है ना, इन सारे बंदों का बाप है अली। जिस गली की बारगाह में जाओ एक ही नारा अली अली, ताजो। और जिस दरगाह में जाओगे ना बाहर जो फकीर बैठा है वो अली के नाम पर ही भीख मांगता है, कभी पकड़ कर फकीरों से कहना फकीरों कब अली के नाम पर क्यों भीख मांगते हो, कभी फला के नाम पर भी तो भीख मांगो, फला के नाम पर भी तो भीख मांगो, फला के नाम पर भी तो भीख मांगो। निकाली जवाब देगा निकाली रुपये मकूस नहीं हो, इतना तो हम भी जानते हैं भीख कभी निकालियों के नाम पर नहीं हो। कहता है जमीन इतनी गर्म थी कि बच्चे के पूछ पर छाले पड़ गए।
शिकार किया जाता था, घोड़ों को मारा जाता था, शेर का शिकार किया जाता था। अदालतों ने मुला ने तीर चलाया, तीर निशाने पे नहीं लगा। रिवायत में मिलता है तीर मरतबा तीर चलाया, तीर का निशाने पे नहीं लगा। एक मरतबा विषय साथ कहने लगा, तू तो बड़ा सख्त तीर तीरबाज है, तेरा तीर निशान बेटे अकबर का लक्षा बड़ा है। अल्लाह की जी बाप को यकीन ना दे भाई, गोद में शिरखार का जनादा, जमीन पर 18 साल के जवान का जनादा। हुसैन अकबर लाशाए अकबर के पहलू में बैठे, कहा बेटा अकबर जब मैं मदीने से आ रहा था बेटा, तो तुमने मुझे कहा था ना बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही, अपने साथ कुछ ज्यादा सवालों को ले जाओ। घोड़े दबाए गए, जमीन पर नहरे मारने लगे, एक जालिम ने जब नहरा मारा, अरे नहरा तो निकला नहरे के साथ बच्चे का नाशा। Oh!
Thank you.
मैंने वहाँ जो हमने तो निकाल Yeah, yeah.
Thank you.
I'll be
Yeah.
Oh, my God.
Thank you.